नकली चेहरा, नकली खूबसूरती और यहाँ तक कि नकली हंसी, ये है जी रियलिटी बॉलीवुड की हीरोइन की। आज आरआर सिनेप्लेक्स आपको बताने वाला है उन हीरोइनों के नाम जिन्हें प्लास्टिक ब्यूटी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इन हीरोइनों ने फिल्मों में काम मिलने, सक्सेसफुल करियर और फैंस को क्रेजी करने के लिए हाई टेक का सहारा लिया हुआ है और पूरी शक्ल ही बदल डाली। क्या बोला तूने? क्या प्रियंका, क्या अनुष्का, सब इस लिस्ट में शामिल हैं। तो जल्दी से तैयार हो जाइए बॉलीवुड की ऐसी ही हीरोइंस के नाम जानने के लिए जिनकी सुंदरता की पोल आज यही खुलने वाली है। चलो भाई, पहले आती है कैटरीना कैफ। हिंदी को भी इंग्लिश की तरह बोलने वाली कैटरीना के दीवाने न जाने कितने थे और आज भी हैं, क्योंकि लुक्स मैटर करते हैं ना। और भी हॉट और ब्यूटीफुल दिखने के लिए कैटरीना कैफ भी सर्जरी करवा चुकी हैं। ग्लैमर की दुनिया में जगमगाने के लिए नाक की सर्जरी करवाई, तभी तो लोग उनके हुस्न की तारीफ करते नहीं थकते। बात तो सही है। दूसरा नाम है अनुष्का शर्मा का। अनुष्का के पास दो टाइप के फैन फॉलोइंग है, एक तो वो जो उनकी सुंदरता और हीरोइन होने पर फिदा है, और दूसरा वो जो उनके पतिदेव की साइड से उनको भाभी मानते हैं, क्योंकि विराट कोहली को लड़के भाई जो मानते हैं। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा भी अपने चेहरे को लेकर एक्सपेरिमेंट कर चुकी हैं। मम्मी बनने के बाद फिल्मों से उन्होंने दूरी जरूर बनाई है, लेकिन अलग दिखने के लिए अपने होठों की सर्जरी उन्होंने भी करवाई है। ऐसे ही खूबसूरती थोड़ी पाई है। इसी लिस्ट में अगला नाम आता है कंगना रनौत का। बॉलीवुड में जिनको क्वीन कहते हैं उनका नाम है कंगना रनौत। कंगना वो हीरोइन है जिनकी सुंदरता पर नजर जाने से पहले उनके कर्ली बालों पर नजर सबसे पहले जाती है, और आधी आबादी इसी में पागल हो जाती है कि हमारे बाल ऐसे क्यों नहीं है यार। ग्लैमर की दुनिया में उनकी तीन चीजें फेमस है, उनके तीखे जवाब, कर्ली बाल और हर दिन निखरती जाती सुंदरता। और इस सुंदरता का राज है कॉस्मेटिक सर्जरी। जी हाँ, वही सुंदरता जिस पर आप हैं दिलो जान से फिदा। इसी लिस्ट में अगला नाम है शिल्पा शेट्टी का। नाइन्टीज के टाइम की वो खूबसूरत बला जिनको देखकर आज भी लोग कहते हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। चुरा के दिल मेरा गोरिया चली। Who is she? She is शिल्पा शेट्टी। उनका फिगर आलसी और यंग लड़कियों को ताने मारता है कि उठ जाओ और खुद पर मेहनत कर लो, क्योंकि उनकी फिटनेस और त्वचा से उम्र का पता ही नहीं लगता। लेकिन और भी ज्यादा खूबसूरत दिखने के लिए शिल्पा शेट्टी ने भी कसर नहीं छोड़ी और प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। उन्होंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई और बिना किसी झिझक के इस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया। यार ये कितनी ऑसम है यार। एंड नेक्स्ट स्टोरी इज प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनके स्टाइल, बोल्डनेस और उनके कॉन्फिडेंट रहने पर लाखों लोग आज भी मर मिटने को तैयार हैं। हाय हाय। लेकिन एक टाइम ऐसा था कि खुद प्रियंका का कॉन्फिडेंस भी जवाब दे गया था। उन्होंने अपने होंठ और नाक की सर्जरी करवाई है। नाक की सर्जरी के बाद वो और उनकी माँ दोनों डर गई थी कि कहीं इसकी वजह से करियर ना चौपट हो जाए, बट ऐसा नहीं हुआ। देसी से विदेशी गर्ल बन गई और एक्ट्रेस से सिंगर बन गई, यानी सर्जरी से करियर आगे ही बढ़ा, पीछे नहीं खिसका। सो खुद को बेटर दिखाने के लिए प्रियंका को भी सर्जरी का सहारा लेना पड़ा, जिससे ऑडियंस के दिलों पर राज कर सकें। तो देखा आपने, जिनकी ब्यूटी पर आप दिलो जान से फिदा हैं, उनकी ब्यूटी के पीछे कितना बड़ा खर्चा है। और ऐसे ही सुंदर नहीं बना गया, उनको सुंदर बनाया गया है। तो जी, ये था सुंदरियों की सुंदरता का राज।
लेकिन ऐसे बहुत से राज हैं जो फिल्मी दुनिया यानी ग्लैमर वर्ल्ड के हैं, जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कुछ और फिल्मी सितारों से जुड़े किस्से, तो हमें बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आपके लिए आपकी फेवरेट स्टार के बारे में वो सब इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दें जो आप जानना चाहते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए, और हमारी दूसरी वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।